तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का। तो ये पार्ट टू है उसका, मतलब स्कैनिंग का पार्ट टू है। और बेसिकली इसमें हम कुछ और बार बताने वाले हैं, जैसे कि अभी तक मेरा स्कैन चल ही रहा है, जो बिट डिफेंडर वाला चल रहा था। देखिए इतना सारा फाइल स्कैन हो चुका है, इसमें इतना फाइल स्कैन हुआ है, दो इन्फेक्टेड फाइल्स फाउंड हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम अभी एक फाइल स्कैन करने वाले हैं, जो कि बेसिकली वो फाइल्स है जो कि हमको सर दिए हैं, मतलब आज या कल। तो ये वो CEH का फाइल्स है बेसिकली, जो कि ये देखिए वर्जन टूल्स का, ये दो सर दिए थे हमको, कोर्सवेयर और टूल्स। तो कोर्सवेयर में हमको कोई वायरस नहीं मिला, लेकिन जब हम टूल्स को स्कैन किए, मतलब वर्जन 10 टूल्स को, तो इसमें हमको कुछ वायरस या फिर जो भी कह लीजिए मैलेशियस प्रोग्राम्स मिला है। ये सारा का सारा सर दे दिए थे। हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा फाइल है। एक्चुअली में हम दिखा देते हैं, ये है विनरार और विंडोज 10 अपग्रेड। ये एक्चुअली में सारा का सारा सर दिए हैं, इसमें व्हाट्सएप, ये WDP प्रो, जो भी है, सब सर दिए हैं, ये सब सर दिए हैं, ठीक है। और देख लीजिए एक बार गौर से, धीरे धीरे करके दिखाते हैं, ये सारा का सारा सर का है, ठीक है। पता नहीं इसमें, चूंकि हम अचानक से मेरे सिस्टम में वायरस आ गया, तो इसलिए हम डाउट हो गया, तो इसलिए हम मतलब पता नहीं क्यों हम सर हर टूल को जो है सो अब स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम जैसे ही डालते हैं इसमें, तो इसमें वायरस डिटेक्ट होता है, मतलब जैसे ही देखिए ये ना देख रहे हैं, इस फोल्डर को उठा के हम, इसमें सारा का सारा वही टूल्स है जो सर दिए थे, मैच भी किया जा सकता है, देख सकते हैं ये सबसे ऊपर वाला टूल्स है, और फोकस, और ये सब धीरे 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 हम लोग नीचे जा रहे हैं, 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 और फोकस, टैप टू फोकस, ये सारा का सारा सर का दिया हुआ टूल्स है। और इसमें मालवेयर्स है, मतलब है, पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा इसमें से मालवेयर है हमको नहीं पता, लेकिन है इसमें मॉलवेयर, क्योंकि हम डिटेक्ट कर चुके हैं। तो ऐसे ही फाइल्स जब किसी से ले, तो एक बार स्कैन कर लेना चाहिए आपको, कि मतलब देखिए ये वही है ना, मतलब इसको हम फोकस कर देते हैं और इसको यहाँ से स्क्रॉल करके उठा के लाते हैं। अरे यार नहीं, पूरा नहीं जा रहा है, यहाँ से स्क्रॉल करके लाते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया। और देखिए इसमें अनरिजॉल्व थ्रेड्स जो है सो दिखा रहा है। एक्चुअली में हम इसको पहले भी स्कैन कर चुके हैं, तो ये अनरिजॉल्व थ्रेड दिखा रहा है। चलिए फिर से हम इसको डाल के देखते हैं, और वो थ्रेड क्या है एक्चुअली में अभी पता चल जाएगा। बस हम जानना चाहते हैं कि वो थ्रेड क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है इसमें, अभी तक हमको पता नहीं है, उसको हम खोले नहीं है, बस एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। इसको हम बस इसमें डालें, और अनरिजॉल्व मतलब स्कैंस, तो व्यू फाइल्स करते हैं कौन सा फाइल है। तो ये CEHU.zip जो है, U.zip बेसिकली एक वायरस वाला फाइल है। अब इसमें क्या है, एप्लीकेशन का नाम है UltraSurf.d। अब एक्चुअली में UltraSurf.d जो है ना, इसके बारे में रिसर्च करते हैं थोड़ा सा। UltraSurf.d क्या होता है भाई, चलिए डालते हैं UltraSurf.d, UltraSurf.d, वट इज, अच्छा UltraSurf इज ए फ्री वेयर इंटरनेट सेंसरशिप, कोई प्रोग्राम पता नहीं क्या है। UltraSurf.d मेरे ख्याल से कोई अच्छा सॉफ्टवेयर ही लग रहा है। UltraSurf एक्सेस, ये है एक्सेस वेबसाइट ब्लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट। UltraSurf ऑल्सो बूट्स योर आवर्ड सिक्योरिटी ऑन पब्लिक एंड पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स, ठीक है, हाइड्स योर IP एनक्रिप्टेड। मेरे ख्याल से ये सर जो डेटा दिए हैं उसमें, वो तो इंटेंशनली नहीं दिए होंगे ऐसा, मतलब जो भी है, लेकिन उनको पता नहीं चला होगा कि वो एक मालसी सॉफ्टवेयर का जो है सो बेसिकली इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, बेसिकली 3.43 MB का, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं उसके अंदर है क्या, ठीक है। तो विनजिप कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है,
विंजिप से देखते हैं कहीं खुलता है कि नहीं। अरे यार ये विंजिप वाला हमको परेशान करता है भाई। 7 जिप तो देख सकते हैं, ये है वो एप्लीकेशन। और इसको प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो इसका एप्लीकेशन इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले, लेकिन मेरे ख्याल से हम रहने देते हैं, ये जो भी है ठीक है। इसको यू डॉट जिप है बेसिकली, यही है वायरस वाला फाइल। तो इसको हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही का ऐसे रहने देंगे। इसको हम बेसिकली क्या करें, सेंड कर देते हैं किसी को। अरे किसको सेंड करेंगे भाई, जो भी है। तो ये टूल्स में ही था, फिर से हम स्कैन करके दिखा देते हैं आपको कंफर्म के लिए, मतलब कंफर्मेशन के लिए। जैसे ही इस टूल्स को यू डॉट, इसमें यू डॉट, ये जो है ना यू डॉट, क्या नाम है इसका, कहाँ गया, ये वाला जो फाइल्स, ये वाला जो जीप फाइल है, इसको जैसे ही यहाँ उठा के लाते हैं, देखिए 1 अनरिजॉल्व थ्रेट आ गया, और व्यू फाइल, और ये अल्ट्रा सर्फ नाम है एप्लीकेशन का, थ्रेट नेम अल्ट्रा सर्फ डॉट HD। ये एक्चुअली में वायरस वाला है। और इस चूज एक्शन करके हम इसको कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिलीट, ठीक है, अप्लाई एक्शन। और ऐसे ही कर करके आपको मैनुअली हर हर चीज़ को स्कैन करना है, ठीक है। तो स्कैन फाइल्स, इन्फेक्टेड फाइल्स 0 हो गया, चूँकि हम उसको डिलीट कर दिए। तो बेसिकली हम हर एक फाइल्स को जो दूसरे से लिए हैं और ये उसको स्कैन कर रहे हैं अभी। तो देख सकते हैं फिर से स्कैन हो रहा है, मतलब फिर से हो रहा है। अबे यार फोकस हो जाना। तो ऐसे ही हर फाइल्स को कर रहे हैं हम। इस फाइल सबको कर चुके हैं स्कैन ऑलरेडी। इस समय कुछ नहीं था, मतलब ये सब मेरे पास पहले से था। तो ये जो है सो सर दिए थे, तो उसमें शायद मेरे ख्याल से मालवेयर था। जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको खुद नहीं पता चला होगा कि उसमें मालवेयर है, क्योंकि वो भी तो बस कहीं से डाउनलोड किए हैं। हम तो बस स्कैन करते रहते हैं। उसके बाद ये फोल्डर स्कैन हो चुका है, और CCNA सुरेंद्र सर, इसका भी स्कैन कर लिया जाए भाई, इसमें भी कहीं वायरस डिटेक्ट हो सकता है। चलिए इसको भी डाला जाए। एक मिनट, ये कौन सा प्रोसेस में है भाई, स्कैन इन प्रोसेस। अरे हाँ, इसको हम डिलीट नहीं किए अभी तक भाई। ये वाला एक्शन, ये जो है अल्ट्रा सर्फ वाला, अभी तक शायद डिलीट नहीं हुआ है। अप्लाई द एक्शंस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्ट्रा सर्फ हटा गया, यू डॉट GEZIP करके जो भी था, RSTU, हाँ हट गया, हटा हट गया। तो ऐसे ही होता है भाई जी, आप जब किसी से फाइल लेते हैं, अरे यार ठीक से बैठ जाना। ऐसे ही होता है जब आप किसी से फाइल्स लेते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता है उसके साथ मालवेयर या वायरस वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ आता है। आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर आपका बैंड बज जाता है। अबे यार फोकस फोकस मेरे भाई, फोकस, टैप टू फोकस, ये ले, ऐसे नहीं तो ऐसे तो काम करेगा, ऐसे काम करेगा क्या। बड़ा परेशानी होता है विंडोज़ का स्क्रीन रिकॉर्ड करना। अब ठीक है, सीधे 90 डिग्री पर ठीक दिखता है। तो अब इसमें कोई इन्फेक्टेड फाइल्स नहीं है, हालांकि कंफर्म नहीं है, मतलब समझ रहे ना, मतलब वायरस ऐसा चीज़ है जो कभी कंफर्म नहीं हो जा सकता है ये कुछ। चलो अब इस फोल्डर को डाला जाए, फोर सिंक को, फोर सिंक में देखा जाता है, मतलब इसको स्कैन होने देते हैं। इसमें नहीं है वायरस, चलिए एलन को स्कैन करते हैं। इसमें भी नहीं है होगा, क्योंकि ये छोटा सा फाइल्स है, ठीक है। स्कैन हो गया, इसमें भी नहीं है। और एप्ट्रॉन प्रिंटर, इसको भी करके देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है। सुरेंद्र सर 2 को करके देखते हैं, इसमें होना चाहिए या नहीं, पता नहीं, कभी स्कैन किए नहीं है। ये बड़ा फाइल्स है। और क्या हो सकता है, ये सब तो मैन्युअली बनाया गया है मेरे द्वारा, तो इसमें होगा नहीं। ये लास्ट है सुरेंद्र सर वाला, तो इसको कर लिया जाए। और इवन इसमें अभी तक तो इन्फेक्टेड कुछ नहीं दिख रहा है।
बीट डिफेंडर का प्रो वर्जन होता ना एकदम अच्छी वाला, तो मज़ा आ जाता है यार। उसका सबसे बेस्ट मतलब है, डिटेक्शन सिस्टम जो भी है, एल्गोरिथम इतना ज़बरदस्त डिटेक्ट करता है उसका। इसका प्रो नहीं है, फ्री वर्जन है, वही वही बहुत काम है। अभी और भी बहुत सारे टूल्स बताएंगे आपको। हाँ, तब तक बात करते हैं कुछ और टूल्स की जिसके लिए वीडियो स्टार्ट किया गया है। पहला तो टूल्स जो होगा आपके लिए वो होगा कि अब हम सारा का सारा ऑनलाइन टूल्स बताएंगे। तो बेसिकली आपको इसके लिए क्रोम खोल लेना है या फिर कोई ब्राउज़र, और आपको कुछ वेबसाइट्स खोलनी है। कहाँ गया वेबसाइट्स? पहला वेबसाइट्स है, देख लीजिए आप, फोकस fsecure.com/forward/en/home/free-tools/online-scanner, ठीक है। और यहाँ पे रन नाउ पे क्लिक कीजिएगा। रन नाउ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ये आपको एक टूल डाउनलोड करने के लिए देगा, और उस टूल को डाउनलोड करने के बाद आप ऑनलाइन जो है सो बेसिकली वायरस रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही और भी दो तीन आपको दे देते हैं मतलब URL, जिससे कि आप कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मालवेयर डिटेक्शन, ये भी एक बढ़िया है। मतलब ऑनलाइन मालवेयर डिटेक्शन, ये जो है ये वाला ESET.com/IN/home/online-scanner, ये भी एक बढ़िया वेबसाइट है। और इसके अलावा और कौन कौन सा है, और एक लास्ट है ये वाला, देख लीजिए, trendmicro.com/en_IN/home/products/hall-house-call.html। तो इस पे भी आप जाके ऐसे ही सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका विंडोज 32 है तो 64 है तो 64, 32 है तो 32, और इसी से सेलेक्ट करके जो है सो आप बेसिकली यहाँ पे जाके, और बेसिकली यहाँ पे जाके, यहाँ पे कहाँ जाके भाई, मतलब इस पर क्लिक कीजिएगा तो बेसिकली फिर से ये भी डाउनलोड का ऑप्शन देगा। मतलब सभी डाउनलोड का ही ऑप्शन देते हैं। और एक टूल्स, वन टाइम टूल्स को आपको इंस्टॉल करके मतलब डाउनलोड करके रन करना है, और उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एक्टिव, याद रखिएगा इस समय। तो ऑफलाइन टूल्स हो गया, ऑनलाइन टूल्स भी बता दिए। इन सभी टूल्स को मिला के जो आपका जो भयानक पावर बनता है उससे आपका ऑलमोस्ट सभी का सभी जो है सो सिस्टम स्कैन हो जाएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको नॉर्मली तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, तो बस यही है। और अगर आपको एक सिंगल एंटीवायरस, देखिए इसमें फाउंड किया दो इन्फेक्टेड, ये तो सबसे बड़ा वाला है, ये तो बहुत देर से है, मतलब ये चल रहा है अभी। तो ऐसे ही जो है सो मतलब एक एंटीवायरस पे अगर आप रिलाई होइएगा कि मतलब वही मेरा सारा काम मैनेज कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब समझ रहे हैं ना बात, एक एंटीवायरस कंपनी सारा चीज़, सारा डेटाबेस मेंटेन नहीं करती। हालांकि शेयरिंग भी होता है मतलब एक दूसरे से, लेकिन हमेशा काम नहीं करता। इसलिए बेहतर होता है कि हमेशा अलग अलग टूल्स से जो है सो एक बार डिसइंफेक्ट करके, एक बार स्कैन करके देखा जाए कि मतलब कौन सा वर्क कर रहा है। मेरा तो पहला ही स्कैन चल रहा है, उसी में बहुत सारा मिल रहा है, मतलब समझ रहे हैं बात। हालांकि मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो मालवेयर सब, हमको वायरस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम एक्चुअली में होता है मालवेयर, स्पाईवेयर वगैरह वगैरह से, समझ गया ना, ये सब ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो वो सब हम रिमूव कर चुके हैं, मेरे सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम धनाधन चल रहा है। जहाँ तक बात रहा वायरस, तो वो भी रिमूव हो ही जाएगा 100%। कोई सिस्टम सिक्योर नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें वायरस ना हो, तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। मतलब नया खरीदा विंडोज़ है, आ गया, कहीं ना कहीं से प्रोग्राम आ जाता है। तो यही कुछ वेबसाइट्स था जिसके बारे में बताएं, और इसके इसके फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लाइक क्या कर दीजिए भाई, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है करिए। पीस आउट, चलते हैं।